दिल्ली की आजादपुर मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ की परेशानियां सबसे बड़ी हैं, जो कभी हल नहीं हो पा रही हैं। अब ताजा मामला ये है कि एपीएमसी के कर्मचारी रेहड़ी वालों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की आजादपुर मंडी की हैं, जहां रेहड़ी वाले अपनी रेहड़ी लगाने के लिए अधिकारियों को पैसे देते हैं, उसके बाद उनके साथ और इस अनाज के साथ ये सलूक किया जा रहा है। एपीएमसी के कर्मचारियों के द्वारा रेहड़ी वालों की मेहनत को कैसे बिखेरा गया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं इसको लेकर रेहड़ी लगाने वालों में आक्रोश है। इनका कहना है कि हम यहाँ अपनी रेहड़ी लगाने के लिए हर महीने पैसे देते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, ये आज आपकी रेहड़ी जो फेंक दी गई है, किस वजह से फेंकी गई? बाबूजी, तीन महीने, दो तीन महीने हो गए, बच्चे घर में भूखन मर रहे हैं, पैसे भी देते हैं और ऊपर से भगाते भी हैं। कल ही रेहड़ी पीएम छोटा खिलाया। कहाँ लगा रखी है आपने बाबूजी? तेरह नंबर शर्ट के आगे लगा रही थी रेहड़ी। तो आपने यहाँ किसी से पूछ के लगाई थी रेहड़ी की? ऐसी लगा दी बाबूजी? 10-15 साल हो गए ऐसे लगाई थी, सब खा कमा रहे, तो मैं भी गरीब आदमी था, मैंने भी लगा ली। तो यहाँ मंडी में किसी को देते थे कुछ भी? कैसे जी बाबूजी? देते हैं ऐसे, कोई कह रहा था, कोई नहीं खड़ा बाबूजी मंडी के अंदर। कितने पैसे देते हो और किसको देते हो? बाबूजी, मेरे से रोहित नाम का है, वो ही आता है, वो ले जाता है मेरे से। कितने पैसे ले जाते? 3 तारीख को मैंने 2100 रुपये दिए हैं जी, उसके बावजूद भी ये फेंक दी। और ये फेंक दी और सुबह सुबह आए कि हटाओ ये हटाओ, मैंने कि हटाना बाबूजी कोई बात नहीं, और मारपीट भी करते हैं और ऊपर से भगाते भी हैं। तो सिर्फ आप ही की रेहड़ी फेंकी गई है कि सबका हटा दिया? मेरी भी फेंकी गई है, सिर्फ तुम्हारी रेहड़ी फेंकी है। जी जी जी। क्या नाम है आपका? संदीप राणा। अच्छा संदीप जी, क्या इनकी रेहड़ी पलटने का क्या कारण रहा? अच्छा, ठाकरे रेहड़ी पलटी थी, इसके ऊपर सिलेंडर ठाका, इसके सिर में मारा। क्यों, ऐसी क्या वजह रही, इन्होंने रेहड़ी खुद ही पलट दी? तो ये बताएंगे ना, ये इनका कहना है कि आप लोगों ने पलटी है इनकी रेहड़ी, ये तो नाम ले रहे हैं आप लोगों का। ये बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ है। हमने ऑलरेडी नहीं पलटी, जितनी 20 रेहड़ी थी उनको नहीं पलटा, और भी तो रेहड़ी थी उनको नहीं पलटा जी हमने। सुशील जी, जो इनकी रेहड़ी आज पलट दी गई है, कह रहे हैं कि एपीएमसी के कर्मचारियों ने पलटी है। नहीं, मैं उस टाइम यहाँ पे नहीं था, मेरा स्टाफ था यहाँ पे जी, और ये रोशन जी है, इनके ऊपर जो है इन्होंने पलटा है, और इनके सिर में, जैसे इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने ये जो सिलेंडर ले रहे हैं, ये भी इसके सिर में मारा है। अच्छा जी, और जो पतीले मारे हैं, और ये साथ में थे यहाँ पे। फिलहाल जब मीडिया वहाँ पर पहुंची तो एपीएमसी के अधिकारी रेहड़ी वालों के द्वारा लगाए गए इल्जामों से मुकर गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पैसे लेने के बाद भी ये बर्ताव क्यों, और अन्न का अपमान क्यों? इस समय हम लोग खड़े हैं आजादपुर मंडी के अंदर, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन उसके अंदर भ्रष्टाचार का अगर बात की जाए तो दुनिया भर का भ्रष्टाचार एपीएमसी मंडी के अंदर है। क्योंकि एपीएमसी के जितने भी कर्मचारी हैं, यहाँ पर गरीब आदमियों की रेहड़ी पहले तो लगवा देते हैं, रेहड़ी लगवाने के बाद उनसे पैसे भी लिए जाते हैं, पैसे लेने के बाद उनसे खाना भी खाते हैं फ्री में, और उसके बावजूद ये हाल करते हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर उनका जितना भी उन्होंने सुबह से शाम तक की कमाई का जो साधन था वो रोड पर बिखेर दिया। क्या ये अन्न की बेअदबी नहीं है? ये अन्न की क्या ऐसे अन्न का इज्जत कर रहे हैं लोग? ये अन्न को जो किसान इतनी मेहनत से उगाता है और गरीब आदमी उसको बनाकर बेचता है, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है, ये आप देख सकते हैं कि एपीएमसी के कर्मचारियों ने क्या इनके साथ हाल किया है। क्या सिर्फ एक यही रेहड़ी क्या मंडी के अंदर लगी हुई है? एपीएमसी के अंदर, मंडी के अंदर आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के यहाँ पर जो एमसीडी के जो इनके जो बूथ इनको दे रखे हैं, एसटीडी बूथ, उसके अंदर भी ढाबे चल रहे हैं। उन ढाबों को क्या बंद नहीं करवाएंगे? कि सिर्फ एक गरीब आदमी की रेहड़ी ही पलट कर अपना गुस्सा और अपनी बदमाशी दिखाएंगे? ये देखने वाली और सोचने वाली बात है कि एपीएमसी कब तक ये बदमाशी दिखाती रहेगी और कब तक गरीब आदमी को परेशान करती रहेगी। मैं जसविंदर सिंह, P24 न्यूज़, दिल्ली।